हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गहलोत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गहलोत फोटोग्राफी में। दोस्तों, हम फोटोग्राफी सीख रहे हैं और फोटोग्राफी की पिछली कुछ क्लासेस में हमने फोटोग्राफी के बेसिक नियमों को जाना था और आज भी हम एक बेसिक नियम और जानते हैं जो कि ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस के बारे में है। दोस्तों, ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस हमारे लेंस के अंदर फंक्शन होता है। ऑटो फोकस पे अगर हम जब लेंस के अंदर ऑटो फोकस का जो फंक्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं, तब हमारा जो कैमरे का सेंसर है वो वर्किंग करता है लेंस के थ्रू, और जब हम लेंस में मैनुअल फोकस सेलेक्ट करते हैं तो जो कैमरे का सेंसर है वो क्लोज होता है और हमें जो फोकस की जो लेंस के अंदर रिंग होती है उसको मैनुअली घुमा करके अपने सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है। तो आइएगा दोस्तों, देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल यहाँ पर। दोस्तों, अभी जो मैंने अपने कैमरे में सेटिंग रखी हुई है लेंस के साथ में, लेंस को मैंने अभी ऑटो फोकस मोड पे लगाया हुआ है और ऑटो फोकस में देखिएगा दोस्तों ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, जैसे ये मेरा स्क्रीन है ना, मैं स्क्रीन पर जिस भी सब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा तो वही चीज़ हमारा फोकस में आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टैंड जो है, कैमरे का स्टैंड जो है, ट्राइपॉड मेरा, ये अभी फोकस में है। बैकग्राउंड में चेयर और वॉल जो है वो आउट ऑफ फोकस है। तो दोस्तों, अभी मैं चेयर पे क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे चेयर पे क्लिक करा है तो चेयर हमारी जो है फोकस में आ गया है, बैकग्राउंड अभी हमारा जो है आउट ऑफ फोकस है और हमारा जो फोरग्राउंड में ट्राइपॉड रखा है वो भी आउट ऑफ फोकस है, क्योंकि अभी जो मैंने सिर्फ चेयर सेलेक्ट करा हुआ है। तो दोस्तों, ये काम करता है हमारा कैमरे के अंदर जो सेंसर लगा हुआ होता है, सेंसर के थ्रू जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को हम फोकस में लेके आना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे वॉल हमारा जो है फोकस में है। अभी मैं यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे चेयर हमारा फोकस में आ गया है और यहाँ पे हम जो है ट्राइपॉड मेरा, अब जो है ट्राइपॉड भी मेरा फोकस में आ गया है। तो अलग अलग करके जिस भी सब्जेक्ट को मैंने क्लिक करके चूज करा, कैमरे के सेंसर ने उसको अपने सेंसर के द्वारा फोकस में ला दिया है। ये ऑटो फोकस में वर्क करता है दोस्तों। मैनुअल फोकस में क्या है कि मैनुअल फोकस में हमें मैनुअली काम करना पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी कैनन का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। कैनन में ऑटो फोकस में कुछ मोड दिए हुए हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे एक AF, ये ऑटो फोकस मेथड का 3 मोड है यहाँ पे। ये अभी जो सब्जेक्ट, अभी जो मेरा सेलेक्ट है AFL, L ये जो है ट्रैकिंग पे है मेरा। इसमें दोस्तों क्या, मैं इन तीनों के बारे में अलग अलग बताऊंगा। अभी ये AFL है, ये ट्रैकिंग के लिए है, और यहाँ पर ये AF जो है ये मल्टी है, फ्लैक्सी जोन मल्टी, यानी कि मल्टीपल जो पॉइंट्स हैं ये उसके पे चूज करेगा। और यहाँ पे ये फ्लैक्सी जोन सिंगल है, ये सिंगल पॉइंट के लिए चूज करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको मैंने सेलेक्ट करा और अभी देखेगा दोस्तों, ये सिंगल पॉइंट पे ही ये फोकस करेगा। सिंगल का मतलब सिंगल पॉइंट पे ये फोकस करेगा। और अब यहाँ पे मैं फ्लैक्सी जोन पे क्लिक कर दूँ तो फ्लैक्सी जोन पे जैसे मैंने क्लिक करा, आप देखेगा ये जो है फ्लैक्सी जोन के हिसाब से जो पास वाला सब्जेक्ट है हमारा उसको ही ट्रैक करके उस पर क्लिक जो उसको हमारा सब्जेक्ट को फोकस में लेके आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ये L है, L प्रेस ट्रैकिंग है, तो इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये होता है कि जो हम जैसे हमारा ये सब्जेक्ट, मैंने अभी चेयर को मैं सब्जेक्ट चेयर को चेयर जो सब्जेक्ट है हमारा उसको मैंने लॉक कर दिया यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने लॉक कर दिया और हम अपने कैमरे को जैसे मूव करेंगे तो जो सब्जेक्ट हमने लॉक करा है तो वो सब्जेक्ट जहाँ भी जाएगा तो कैमरे में ऑटो फोकस जो है, एल ट्रैकिंग जो है, उस सब्जेक्ट को ट्रैक करते हुए उस पॉइंट पे ही जाएगी और सब्जेक्ट हमारा क्लियर रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर अभी मैंने ये मैनुअल पे कर दिया है मैंने अपना कैमरा, और मैनुअल पे करने के बाद में अब देखिएगा दोस्तों, मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है काम नहीं करेगा। मैनुअल पे मैंने कर दिया है अपने लेंस को और कैमरे की सेटिंग हमारी मैनुअल हो गई है, क्योंकि मैनुअल पे हमारा लेंस लगा गया तो ऑटोमेटिकली कैमरे में मैनुअल सेटिंग हो गया है। तो अब मैं जब अपनी स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अब हमारा ऑटो फोकस जो है वो बंद हो गया है, सेंसर हमारा काम नहीं कर रहा है कैमरे का। तो इसमें क्या है कि हमें कैमरे की रिंग, लेंस की जो रिंग है उसको घुमाना पड़ता है और हमें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट है अभी देखो बिल्कुल आउट ऑफ फोकस हो गया है और मैं अपने कैमरे के रिंग को मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब मेरा जो है, अब ट्राइपॉड मेरा क्लियर हो गया है।
और मैं दोबारा से मूव करता हूँ रिंग को, तो अब मेरी चेयर जो है वो फोकस में आ गया है, और मैं रिंग को मूव करने के बाद में अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरी जो है वॉल की जो पेंटिंग है वो फोकस में आ गई है। तो मैं मैन्युअली अपने जो फोकस वाली रिंग है उसको घुमा रहा हूँ, तभी हमारा सब्जेक्ट जो है, जो भी सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, अभी जैसे मैंने ट्राईपोर्ट लिया है तो ट्राईपोर्ट मेरा अब फोकस में आ गया है, तो मैंने मैन्युअली ही ये काम करा है। तो मैन्युअल में दोस्तों हमें जो फोकस की रिंग होती है लेंस के अंदर, उसको मैन्युअली हमें घुमाना पड़ता है, जिससे कि हमारा सब्जेक्ट जो है फोकस में आ जाए। दोस्तों ये फर्क होता है ऑटो फोकस में और मैनुअल फोकस में। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमने ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस के बारे में जाना, ये कैसे काम करता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएँ। दोस्तों देखते रहिएगा मेरे चैनल को और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।